रविवार को प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा के निवास स्थान पटलांदर में सुजानपुर कांग्रेस पदाधिकारियों व पार्टी के अग्रणीय संगठनों सहित सैकड़ों की तादाद में उपस्थित कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजन किया गया। बैठक में वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर हुंकार भी भरी गई। विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि भाजपा राज में महंगाई दीमक है तो बेरोजगारी कोड बन चुकी है। इन्वेस्टर मीट पर भी सरकार धोखा दे रही है। कर्मचारियों सहित प्रदेश का हर तबका निराश और हताश है। उन्होंने कहा कि सरकार की अपनी परिवहन सेवा ठप पड़ी है और वाहन पर भारी जुर्माने लगाने का निर्णय लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा है जब किसी न किसी वस्तु के दाम बढ़कर लोगों को परेशान किया जा रहा है। हर क्षेत्र में माफिया राज पनप रहा है तथा हर तबका सहमा और बदहवास हो रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्य ठप पड़े हैं। सरकार ने जनता को न राशन लेने के लिए छोड़ा है और न ही कहीं घूमने लायक छोड़ा है। उन्होंने कहा कि झूठे वायदे बुरे इरादे लेकर सत्ता में आई भाजपा सरकार के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। उन्होंने हरेक कार्यकर्ता को अपनी जमीनी स्तर पर काम में जुट जाने का आह्वान करते हुए कहा कि विपक्ष में रहते विरोधियों की लाख कोशिशों के बावजूद क्षेत्र में काम करवाया गया है। अब 1.5 साल बाद भाजपा की सरकार की सफाई और विदाई तय है। फिर कांग्रेस सरकार में नई स्कीमों और कार्यों के साथ विपक्ष के रोके गए विकास कार्यों को गति प्रदान की जाएगी। इससे पहले 6 बार के मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह व सेना में शहीद हुए उपमंडल भोरंज के कमल वैद की आत्मिक शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। जो रूलिंग पार्टी होती है वहीं दूसरी तरफ विपक्ष होता है और जो विपक्ष की भूमिका है वो रूलिंग से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि जब प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, कोई भी सरकार कोई गलत निर्णय ले, प्रदेश की जनता के खिलाफ निर्णय ले, लोगों को कुचलने का काम करे, तो सरकार के हाथों को बांध कर रखने की जो ताकत रखती है वो विपक्ष रखता है कि गलत काम करना, उसका विरोध करना ये विपक्ष का काम है। और विपक्ष मजबूत होना लोकतंत्र के लिए बड़ा महत्व है। आज प्रदेश की जनता ने हम लोगों को विपक्ष में बैठने का मौका दिया है तो हम विपक्ष की भूमिका ठीक तरीके से निभा रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई दिन ऐसा खाली जाता होगा जिस दिन आप ये नहीं देखते होंगे कि आपका विधायक लोगों की लड़ाई ना लड़ो। आज महंगाई की लड़ाई है, कोई दूसरी लड़ाई है, नौजवानों की लड़ाई है, विकास की लड़ाई है। हर दिन मीडिया में राजेंद्र राणा बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ, जोर से बोलो। हिमाचल प्रदेश में 1 नंबर पे सरकार के खिलाफ आम आदमी की आवाज को बुलंद करने का काम कर रहा है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप कर रहे हैं। और विपक्ष में काम कम होते हैं, परंतु मैं ये भी कह रहा हूं कि विपक्ष में होते हुए भी हम बड़े काम करा रहे हैं।